So guys, finally AMD ने अपना नया graphics card launch कर दिया है, जिसका नाम है Radeon 7, which is more powerful than the current RTX 2080. तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, so let's get started. तो गाइस AMD ने अपना नया ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च कर दिया है अपने कीनोट में, जिसका नाम है Radeon 7. और लुक्स की बात करें तो ये वेगा की तरह ही दिखता है, पर तीन फैंस के साथ आता है. और स्पेक्स की बात करें तो भाई AMD ने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि इसमें मिलता है वॉपिंग 16GB हाई बैंडविड्थ मेमोरी और ये 7nm टेक्नोलॉजी पे काम करता है. इसके अलावा इसमें 60 कंप्यूट यूनिट्स है, जो कि 1.8GHz पे क्लॉक्ड है, जिससे कि इसका परफॉर्मेंस 25% ज़्यादा है, लेकिन पावर कंजम्पशन सेम है. लेकिन रॉ स्पेक्स से ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता, पर इस इवेंट में AMD ने RTX 2080 से कंपेयर किया है और देख सकते हैं कि इसने 28 को भी बीट कर दिया है. हालांकि Battlefield 5 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि Battlefield 5 RTX के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो रियल लाइफ परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को. रिलीज डेट की बात करें तो ये February 7th को अवेलेबल हो जाएगा, और जो प्राइस है वो है $699, यानी रफली 50,000 के आसपास. लेकिन इंडिया में आएगा कि नहीं वो नहीं पता, और अगर आ भी गया तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा होगा, जैसे कि AMD के कार्ड्स के होते हैं. लेकिन फिर भी ये RTX 2080 से कम ही होगा. और लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप Radeon 7 परचेस करते हैं तो आपको Devil May Cry 5, Resident Evil 2 और Division 2 फ्री में मिलेगा इसके साथ. और AMD ने बोला है कि इट्स aimed at professionals, लेकिन इसे सिर्फ Vega 64 से कंपेयर किया गया है, और यह भी मेंशन किया गया है कि ये फोकस्ड है गेमर्स पे. तो वीडियो एडिटिंग और 3D रेंडरिंग में अभी भी NVIDIA आगे है, क्योंकि Adobe बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज है CUDA कोर्स के लिए. लेकिन और एक बात, NVIDIA FreeSync सपोर्ट नहीं करता, जो कि AMD करता है. सो ये और एक प्लस पॉइंट है AMD के लिए. तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो NVIDIA इज़ अ बेटर ऑप्शन, और अगर सिर्फ गेम खेलना है तो आप AMD Radeon के बारे में सोच सकते हैं. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में.